हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। एंड गाइस, उन कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट राजस्थान आइस काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान आइस काउंसलिंग 2020 का फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल इन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया था, लेकिन उसमें इन्होंने सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो आज उन्होंने जो है सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड का जो है ऑफिशियल शेड्यूल वो भी रिलीज कर दिया है, और उसी शेड्यूल के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में प्रेस रजिस्ट्रेशन होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या जो कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया क्या वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता ये भी नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहे। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान आइस काउंसलिंग 2020 के जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे। ओके गाइस, जो कि 15% सीट एंड 85% सीट जो स्टेट कोटा दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे 14 दिसंबर को एंड 20 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट थी। ओके गाइस, लेकिन जो स्टेट कोटा 85% सीट के लिए जो इन्होंने शेड्यूल रिलीज किया था वो केवल फर्स्ट राउंड का ही शेड्यूल इन्होंने रिलीज किया था, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट के बीच में यही डाउट था कि क्या हम सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके रिकॉर्डिंग काफी सारे स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज भी किया था, तो उन कैंडिडेट से मैंने यही बोला था कि गाइस, अभी हमारे पास केवल जो है फर्स्ट राउंड का ही शेड्यूल है, जब ये सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड का शेड्यूल रिलीज करेंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको जो है सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो गाइस, उन स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपके लिए गुड न्यूज है गाइस, क्योंकि आप जो है सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और यहाँ पर जो है आपके जो सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में जो है प्रेस रजिस्ट्रेशन होंगे। इसलिए यदि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप जो है दोबारा से सेकंड राउंड में मॉपअप राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, और जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया उसको सेकंड राउंड में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसको दोबारा से कोई फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो आज जो इन्होंने सेकंड राउंड में मॉपअप राउंड का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है, तो गाइस उसी के बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, तो ये इनका ऑफिशियल शेड्यूल है जो आप देख सकते हो, ये राजस्थान आइस काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो जो सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे 23 जनवरी को, और इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 1 फरवरी रहेगी। ओके गाइस, तो 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, इसके बीच में आपको जो है सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन करने हैं। जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया उसको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, केवल यहाँ पर वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। उसके बाद में आपकी सेकंड राउंड के जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी वो 4 फरवरी को रिलीज होगी, एंड आपकी जो प्रोविजन लिस्ट रिलीज होगी वो होगी 6 फरवरी को। ओके गाइस, एंड सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होगी, और यहाँ पर जो जिस कैंडिडेट ने काउंसलिंग फीस जमा नहीं की वो कैंडिडेट यहाँ पर जो है उसको 25,000 जो काउंसलिंग फीस जमा करनी पड़ेगी जो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके गाइस, जिन कैंडिडेट ने काउंसलिंग फीस जमा कर दी उसको यहाँ पर दोबारा से काउंसलिंग फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ये केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट फर्स्ट बार ही जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वही जो है उनको ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस और काउंसलिंग फीस देनी है। ओके गाइस, उसके बाद में इसके बाद में आपके जो सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 13 फरवरी को, उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग जो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है वो 15 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में जाके करवानी है। ओके गाइस, और यहाँ पर इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपी लेके जानी है और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ओके गाइस, और जो आपका अलॉटमेंट लेटर होंगे उसकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओके गाइस, तो गाइस आप जब रिपोर्टिंग के टाइम पे करते जाओ तब आप जो है कम से कम 3 जो सेट कॉपी फोटोकॉपी के बना के लेके जाए,
ताकि आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम पे वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जो है पूरी जो लिस्ट जो है जो डॉक्यूमेंट की वो मैं वहाँ आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट देख लेना कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में आपके जो मोपो राउंड के रजिस्ट्रेशन होंगे वो 19 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होंगे, और उसके बाद में आपको इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी मोपो राउंड की वो 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में होगी, और जो प्रेस रजिस्ट्रेशन करेगा उसको यहाँ पर 25,000 फीस देने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके गैस, तो ये हो गया। उसके बाद में जो थर्ड राउंड या मोपो राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश होगा वो 24 फरवरी को हो जाएगा। ओके गैस, और इसके बाद में आपको जो मोपो राउंड की रिपोर्टिंग जो रहेगी आपकी वो 25 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में रहेगी। इसके बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है, और यहाँ से ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं और उनकी जो है कितनी फोटो कॉपीज आपको लेके जानी है। ओके गाइस, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइस यदि काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड मेरी पर्सनल गाइड में भी आप आ सकते हो। फ्री में आपको वहाँ पर गाइड किया जाएगा। काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है सारे डाउट जो हैं वहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। इसलिए यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से जो है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो और मेरी पर्सनल गाइड में आ सकते हो। ओके गाइस, और चॉइस फिलिंग लेकर या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है पर्सनल जो है मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट पे भी आप मुझे हैं जो पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।